कई ऐसे राजनेता हैं जो राजनीतिक दुनिया के बेताज बादशाह हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं और जैसे ही हमारी दिमाग में नेता के प्रति छवि बनी है, उसका मतलब झूठ और ओछी राजनीतिक है। लेकिन आज का दौर बदल चुका है दोस्तों। बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बातों का एहसास है कि जनता का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है और यह सेवा ही उन्हें जनता के सर आंखों पर बैठाएगा। उन्हीं में से एक नेता है पप्पू यादव। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पप्पू यादव से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज़। बिहार के राजनीति के दमदार नेता पप्पू यादव, जो जन अधिकार पार्टी के संरक्षक भी है। कभी लालू यादव के खासम खास रहे पप्पू यादव, तो कभी लालू को कुर्सी दिलाने वाले पप्पू यादव, तो कभी परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाले पप्पू यादव, तो कभी मुसीबतों में लोगों का काम आने वाला पप्पू यादव। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 में पूर्णिया जिले में हुआ था। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अपना खास पहचान बनाने वाले पप्पू यादव का नाम असल में राजेश रंजन है। पप्पू यादव का बिहार के राजनीति के गलियारों में सफर तब शुरू हुआ जब 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार के विधानसभा पहुंचे थे। पप्पू यादव का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके ऊपर आपराधिक छवि का दाग लगाने की कोशिश की गई। उसके बारे में पप्पू यादव ने खुद कहा था कि सामाजिक अंतर्विरोध के कारण उनकी ऐसी छवि गढ़ी गई है। दोस्तों, मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव बहुत कम समय में बिहार के सीमांचल एरिया में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पप्पू यादव ने मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार में अपने समर्थकों का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। पप्पू यादव ऐसे दमदार छवि वाले नेता हैं जो बड़े बड़े राजनेताओं को हरा चुके हैं। उनमें से एक है 2014 के चुनाव में पप्पू यादव ने शरद यादव को हराया था। दोस्तों, जुलाई 2015 में उनका पुत्र सार्थक रंजन दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए भी खेल चुका है। दोस्तों, आपको हमारी बायोग्राफी सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम पटना न्यूज़। टेक केयर।